नमस्कार एवरीवन, सो वी कैन कंटिन्यू और एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हमने पहले ही कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिफरेंस, गिव द डिफरेंस इन लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म का मीनिंग आपको जो नंबर है उसको डिवाइड करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 2, ए 7/8 -3/8। अब यहाँ पर क्या है, आपके डिनोमिनेटर इक्वल है, आप डायरेक्ट प्लस और माइनस कर सकते हैं न्यूमरेटर के नंबर को। 7 -3, ये 7 -3, तो 4/8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, 1/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का है बी, -2/11 --6/11। अब माइनस माइनस मीन्स प्लस, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, बट ये माइनस इंटू माइनस होता है, प्लस इंटू माइनस होता है, ठीक है। तो ये है -2/11 -6/11, ठीक है। आप डिनोमिनेटर इक्वल है तो ऊपर जो न्यूमरेटर में नंबर है -2 और -6, अब दोनों भी नंबर एक ही साइन के हैं, तो ये दोनों नंबर प्लस हो जाएंगे और साइन होगा माइनस का, ठीक है। अब है सी, 1/4 --1/8, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस 1/8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 × 8, 8 + 4 × 1, 4, 12/32। किस नंबर से डिवाइड होगा ये, 4 से, 4 × 3 = 12, 4 × 8 = 32, 4 × 8 = 32, ठीक है। वैसे ही है हमारे पास डी, 5/6 -(-2/3), ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 5/6 +2/3, 6 × 3 = 18, 5 × 3 +2 × 6, 5 × 3 = 15 +6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, what is the answer, 27/18। किस नंबर से डिवाइड करेंगे हम इसे, 9 से, 9 × 3 = 27, 9 × 2 = 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का है आपका ई, 11/24 -8/-9, ठीक है। माइनस इंटू माइनस, चाहे नेगेटिव न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, मल्टीप्लाइड होगा मीटर साइन से, ठीक है। 11/24 -(-) +8/9, राइट। अब 9 की टेबल में 24 नहीं होता है, 24 नहीं होगा, बट ये हम ले सकते हैं इसे 27, इसमें है आपका 27, ठीक है, ये है 27। करेक्शन कर लेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के ई में, 11/27 --8/-9, ठीक है। अब 27 टेबल 9 की भी टेबल में आता है, 27 11 प्लस, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 × 3 = 24, आंसर हो गया आपका 35/27। हम इसे डिवाइड करें 3 से डिवाइड नहीं होगा, आपका आंसर है 35/27, आंसर क्या हो गया, 35/27। किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। सो आप यहाँ पर ये भी कर सकते 24, बट 27 करें तो इजी हो रहा है, ठीक है, और आंसर भी आपका वैसा ही होगा 27 से। 11/27 प्लस 11 + 24 = 35। एफ, एफ में क्या है, -8/9 -11/24, ठीक है। ये भी वही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 24, यहाँ पर हम 24 एज इट इज रहने देते, सेम आंसर हो गया। 9 × 24 -8 × 24 -11 × 9, 8 × 4 = 32, 8 × 16 + 3 = 19, 9 − 99, 9 × 4 = 36, 9 × 18, 18 + 3 = 216, आंसर है आपका 11
91 डिवाइडेड बाय 216, ये नंबर डिवाइड हो रहा है हमारा 2 से, बट 291 नहीं होगा, ठीक है। सो लास्ट आंसर हमारा है 291 डिवाइडेड बाय 216, ठीक है। और 2 से डिवाइड के 2 1 2 नहीं, 9 से डिवाइड 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 7 2 91, 3 से डिवाइड करें 3 9 27 एंड 3 3 3 7 21, 216 को ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, सेम नंबर से डिवाइड होना जरूरी, हाँ हो गया, 3 7 21, 6 3 2 3 2 6, तो आंसर हो रहा है आपका -97/72, आंसर हो रहा है आपका -97/72। सेम आंसर यहाँ भी आ जाएगा आपका, यदि यहाँ पर 24 है तो सिर्फ न्यूमरेटर का आंसर चेंज हो जाएगा साइन। क्वेश्चन क्या था, 11/24 माइनस माइनस, तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर ये चेंजेस कर सकते हैं, 27 एज इट इज रहने दें, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे क्वेश्चन को सोच के फिर हम लोग यहाँ पर 24 को किया, ठीक है। इसका है जी, जी है -7/8 + -2/7, क्रॉस मल्टीप्लाई -7/8 - 2/7, 8 × 7 - 7 × 7 - 2 × 8, -7 7 = 49, -8 2 = 16, 8 7 = 56, माइनस माइनस टू दोनों नंबर आपके नेगेटिव है तो ये आंसर नेगेटिव में तो होगा बट नंबर ऐड हो जाएंगे, 9 + 6 = 15, 4 + 2 = 6, -65/56, ये डिवाइड नहीं हो सकते सेम नंबर से तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब है हमारे पास एच, 5/7 - -2/4, 5/7 - - +2/4, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 × 4, 5 × 4 + 2 × 7, 5 4 = 20 + 2 7 = 14, डिवाइडेड बाय 7 4 = 28, व्हाट इज आवर आंसर, 34/28, व्हाट इज आवर आंसर, 34/28 डिवाइड हो जाएगा 2 से तो आंसर हो गया 17/2 = 14, 17/14, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सिंपल आपको साइन की इंपॉर्टेंस रखना है, साइन आपके परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। साइन आपका जो है नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव आपने जब यहाँ पर नंबर है तो नेगेटिव नंबर यहाँ से माइनस और माइनस, इसका इंपॉर्टेंस ही होना, एक माइनस आपका नहीं पता चला तो फिर आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाए, ठीक है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई करना है, कोई दिक्कत नहीं, वेरीफाई में बहुत इजी है, पी प्लस क्यू और क्यू प्लस पी दोनों के आंसर आपके इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट है पी इज इक्वल टू -5/8 और क्यू इज इक्वल टू -2/5, पहले हम करेंगे पी प्लस क्यू और फिर बाद में करें हमने क्यू प्लस पी, दोनों इक्वल होने चाहिए। पी प्लस क्यू, व्हाट इज पी, -5/8 + -2/5, राइट, -5 × 5 + ± 2 × 8 डिवाइडेड बाय 8 × 5, क्या किया हमने, -5 × 5 + ± 2 × 8 डिवाइडेड बाय 8 × 5, सेम मेथड अप्लाई करना है, -25, क्या है आंसर, -25 -8 × 16 डिवाइडेड बाय 40, आंसर है आपका 5 + 6 = 11, 3 + 1 = 4, 41/40, जब आपका तो राइट साइड का भी क्यू प्लस पी भी वही आंसर आना चाहिए। क्यू प्लस पी, व्हाट इज द क्यू, -2/5 + -5/8, ठीक है, तो -2/5 + −5/8, अब फिर से हम करेंगे इसे मल्टीप्लाई, -2 × 8
माइनस फाइव इंटू फाइव डिवाइडेड बाय फाइव इंटू एट, माइनस सिक्सटीन माइनस ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय एट फाइव जब फोर्टी, आंसर 41/40। तो वेरीफाइड, आपको क्या लिखना, सिंपल वेरीफाइड। जब आपके पास पी प्लस क्यू और क्यू प्लस पी का आंसर इक्वल है तो नो डाउट आपको लिखना है वेरीफाइड। वैसे ही आपका बी, पी इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री, क्यू इज इक्वल टू वन बाय टू। आपको फाइंड आउट करना है पहले पी प्लस क्यू, व्हाट इज पी, माइनस वन बाय थ्री प्लस वन बाय टू, क्रॉस मल्टीप्लाई सेम मेथड अप्लाई, थ्री इंटू टू माइनस वन इंटू टू प्लस वन इंटू थ्री, माइनस टू प्लस थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स वन बाय सिक्स। आपका आंसर हो गया पी प्लस क्यू का वन बाय सिक्स। तो अब फाइंड आउट करेंगे हम क्यू प्लस पी का भी आंसर, क्यू है वन बाय टू प्लस माइनस वन बाय थ्री, वन बाय टू प्लस इंटू माइनस, माइनस वन बाय थ्री इज इक्वल टू टू इंटू थ्री, वन इंटू थ्री माइनस टू, आपका हो गया आंसर वन बाय सिक्स। तो हैंस वेरीफाइड, क्या लिखते हैं हम, वेरीफाइड। क्या हो गया, दोनों के आंसर आपके इक्वल हो गए, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपल है, आपको ये ध्यान रखना है साइन, साइन आपने कहीं पर भी मिस कर दी तो फिर आपका आंसर पूरा रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। सो वी विल कंप्लीट क्वेश्चन नंबर टू एंड थ्री ऑफ दिस एक्सरसाइज, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।